वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया कल से पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही है। ऐसे में टेस्ट मैच से ठीक पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें आपको कि विराट का एक ऐसा झूठ पकड़ में आया जो काफी हैरान कर देने वाला था। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने विराट से सवाल पूछा कि उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को बाहर क्यों किया जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। जी हां, उस सवाल का मतलब साफ था कि रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे बल्लेबाजों को बाहर क्यों किया गया। विराट ने अपनी सफाई में कहा कि टीम सिलेक्ट करना मेरे हाथों में नहीं है, ये काम चयनकर्ताओं का है और जो चयनकर्ता वहां पर बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं कि टीम किस तरह से चुनी जाती है। यानी कि विराट का झूठ साफ पकड़ में आया, क्योंकि विराट हमेशा टीम सिलेक्शन के दौरान सिलेक्टर से बात करते हैं और अपने मुताबिक टीम चुनते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और पहले भी विराट और रवि शास्त्री टीम सिलेक्ट कर चुके थे। अब बड़ी बात यह है कि विराट रोहित को हटाने के बाद इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये समझ से पार चला जाता है। खैर, वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट नई टीम उतार रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।